हेलो फ्रेंड्स, सुधा नेट रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये सूजी का टेस्टी नाश्ता, और हेल्दी भी, टेस्टी के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 कटोरी सूजी, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच मीठा सोडा, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कटोरी दही। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से दही लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ये फ्रेश दही लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे। 1 कटोरी दही के साथ मैंने इसमें 1 कटोरी पानी ऐड किया है, और जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा हम बाद में और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इतना गाढ़ा हम मिश्रण इसको बनाकर और इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। पैन गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाला है, और जीरा को चटकने तक हम इसको भूनेंगे। जीरा अच्छे से चटक गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का ब्राउन भूनना है। हल्का ही ब्राउन, हल्का सा भून गया है, और अब हम इसमें ये कटा हुआ गाजर डाल देंगे। हमने गाजर को पहले से काट कर रखा है, चौकोर चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर डाला है, और 1 कटोरी गाजर डाला है, और यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी गोभी। गोभी को अच्छे से साफ करके और चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मटर लिया है, अगर मटर आपके पास अवेलेबल हो तो मटर डाल सकते हैं, अन्यथा शिमला मिर्च या जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमने सूजी में पहले से 1/2 चम्मच नमक डाल रखा है, तो यहाँ पे हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। और ये 1/2 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, और चिली फ्लेक्स की जगह आप हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच ये डाला है चिली फ्लेक्स, और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसको भूनना है। चाहे तो आप ढककर 5 मिनट तक भून, 5 मिनट के लिए इसको ढक दें, ताकि ये सब्जियां जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं और 5 मिनट तक सब्जियां सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। देखेंगे सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे और 2 मिनट तक थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी पानी और मिक्स किया है, और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये बढ़िया सा एक घोल तैयार हो जाए। तो ये घोल इस तरह से होना चाहिए, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। अब हम इसमें सब्जियां ये डाल देंगे। ये सब्जियां डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम ये कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे।
मेकर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस मिश्रण को एक एक चम्मच इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम सभी इसमें डालकर और इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन हटा लेंगे और दूसरी तरफ से भी पलटकर हम सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हुआ है। और इसी तरह से हम ऐसे पलट लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत कम तेल में बनता है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, इस नाश्ते को आप जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे हमने सभी को पलट लिया है और अब हम थोड़ा सा ढक्कन लगाकर और 5 मिनट तक और सेक लेंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे ये हमारा सूजी का नाश्ता तैयार हो गया है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। इसको चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये सूजी का नाश्ता। तो इस तरह से आप सूजी का नाश्ता तैयार करिए और सबको खिलाइए। धन्यवाद।